फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, थ्री पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारी कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली मालेगांव, प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। जो सातवां कंस्ट्रक्शन ट्रिप, इस सातवें कंस्ट्रक्शन फेयर की क्या आपको ख़ास बातें लगी? यहाँ पर कई स्टॉल लगे हुए और यहाँ पर लक्ष्मी ट्रेडर्स जो है वो इस इवेंट का पार्टनर भी है। क्या लगा आपको इस पूरे इवेंट के बारे में, आप क्या कहेंगे और क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पर भाई है, नई चीज़ें क्या है, नई टेक्नोलॉजीज कुछ आपको नज़र आई? अच्छा, तो ये कंस्ट्रक्शन ट्रेड फेयर में जो देखा मैंने, सबसे बढ़िया और अच्छा स्टॉल तो लक्ष्मी ट्रेड फेयर का, लक्ष्मी टाइल्स वाले का ही है, इसमें कोई शंका नहीं है। दूसरी बात ऐसे कि ये ट्रेड फेयर में इन्होंने जो भी आइटम्स रखे हैं उसमें जो नए राजस्थानी आइटम रखे वो मुझे बहुत अच्छे लगे, लाजवाब लगे। स्टोन के आइटम्स बहुत अच्छे लगे और कजारे के तो आइटम्स का कोई बोलना ही नहीं है। कजारे टाइल्स का नंबर वन नाम है अभी पूरे हिंदुस्तान में, अच्छा नाम है कजारे का। और लक्ष्मी ट्रेड फेयर, लक्ष्मी टाइल्स वालों का जो बिहेवियर और जो उनका लोगों के सामने जाने का तरीका है वो लाजवाब है, वो कोई टाइल वाला नहीं दे कर सकता। मैंने ये मेरे गांव वाले हैं इसलिए मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो उनके पास नम्रता बहुत ज़्यादा है और जो नम्रता छू जाती है ना दिल को, तो आदमी कहीं इधर उधर भटकने का सवाल ही नहीं आता। बहुत अच्छा काम है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी यहाँ पर, इंटरनेशनल लेवल की बहुत सारी चीज़ें, कुछ स्पेन से इंपोर्ट इन्होंने किया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बाहर से इन्होंने इंपोर्ट की। क्या लगता है आप की भी अपनी एक लंबी ज़िंदगी का सफ़र हुआ है, आज टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज हो रही है, आपका अपना वक्त सादगी का वक्त था, अब काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, क्या लगता है आज की जनरेशन के लिए कितनी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पर इन्होंने लोगों के लिए परोस के रखी हुई है? आज की जनरेशन का तो जो भी दुनिया में है वो अपने घर में आना चाहिए ऐसा लगता है, और वो पुराना ज़माना गया कि सादे घर में रहना। अभी जो ही कंस्ट्रक्शन करता वो माहौल अच्छा क्रिएट करने का ट्राई करता कि अपने घर में सब कुछ सुविधा हो और जितना अच्छा हो, जितनी चमक धमक हो, जितना सॉफ्टनेस हो, जितना और बढ़िया वातावरण तैयार हो सके वो ट्राई करते हैं। और वन टाइम का एक ज़माना है कि कोई भी
चीज़ अभी लगाए तो पूरी अपनी ज़िंदगी निकल जानी चाहिए ऐसा सोच के लगा, वो रिपेयर मेंटेनेंस प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन ब्लॉक ये लोगों को अभी अच्छा नहीं लगता, पहले ज़माने में वो चलता था, तो वो हिसाब से इनका जो काम है वो काम अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और बाकी ट्रेड फेयर में भी सब तरह के स्टॉल्स है, कोई ऐसा आइटम नहीं कि कंस्ट्रक्शन वालों को घर बनाने वालों को कोई कुछ चीज़ यहाँ नहीं मिली, कोई चीज़ देखने को नहीं मिली, एवरीथिंग इज देयर, सब सब अच्छा है। यानी किसी ज़माने में कहा जाता था कर लो दुनिया मुट्ठी में, हम आज यहाँ देख रहे हैं कि वाकई इन लोगों ने दुनिया मुट्ठी में कर लिया है, दुनिया की कई टेक्नोलॉजी हमको यहाँ पर देखने को बराबर बराबर। तो हम पहुँचे महावीर लेमिनेट्स में और यहाँ पर काफ़ी यूनिक चीज़ें नज़र आई। यहाँ पर केजल मेरे साथ खड़ी हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या खासियत है यहाँ पर महावीर लेमिनेट्स के प्रोडक्ट की और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है लोगों के लिए। केजल सबसे पहले आपका मानव समाचार में स्वागत, मैं जानना चाहूँगा कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पर हैं और लोग कितना आज यहाँ से लाभ उठा सकते हैं आपके प्रोडक्ट से। नमस्कार पहले सभी को जो ये देख रहे हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है महावीर लैमिनेट्स की तरफ से, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, मैं हूँ केजल राका। और महावीर लैमिनेट्स जो है उसकी खासियत ये है कि आपके पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेंज की नासिक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ऐसी शॉप, एक ऐसा वैरायटी का सबसे ज़्यादा जो माध्यम है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे हम लैमिनेट्स रखते हैं, वीनियर रखते हैं, एक्रेलिक शीट्स रखते हैं, हम लूअर्स रखते हैं। तो आप शुरू कीजिए और हम ख़त्म करेंगे आपकी कहानी हम महावीर लैमिनेट्स के साथ। और शहर में कौन कौन से प्रोडक्ट लोगों को जो है आपके द्वारा मिलते हैं और क्या क्या चीज़ें आपके पास शहर के लिए अवेलेबल है? मेरे पास फ्लूट्स हैं, लेमिनेट्स हैं, एक्रेलिक शीट्स हैं और जितने भी यहाँ डिस्प्ले लगे हुए हैं सब मेरे पास अवेलेबल मिलेगा आपको। अच्छा। हमारे पास ज़ीरो से लेके हीरो तक का है। अच्छा। हाँ और सारी क्वालिटी मिलेगी, हमारी बहुत बड़ी गैलरी है नासिक में। अच्छा। तपोवन रोड पे मेट्रो मॉल के सामने महावीर लेमिनेट, इधर आपको इन एस सनमाइका सेंटर में मिलेगा। अच्छा। जाफर नगर नायरा पेट्रोल पम्प के पास। अच्छा जी, अगर मैं कॉस्ट वाइज बात करूं, हाँ, तो दूसरे जो मार्केट में इसी से मिलते जुलते जो प्रोडक्ट हैं, जो मटेरियल्स हो सकता है उनके अलग हों, कॉस्ट वाइज लोगों को कितना फ़ायदा मिल सकता है, थोड़ा सा उस बारे में। हमारे पास कॉस्ट लो कॉस्ट लेके हाई कॉस्ट है, और जो हमारा पेपर्स होता है वो दूसरे पेपर्स दूसरी कंपनी से डिफरेंस है। अच्छा। और हमारी कंपनी क्वालिटीज देती है। अच्छा। हाँ जो हम रहेगा 1 mm तो 1 mm ही कह के देंगे। अच्छा। 0.8 का सरमाइका 0.8 से मिलता है, 1 mm कह के नहीं बेचते। अच्छा। हाँ जैसे लोगों 1 mm कह के इनर बेचते हैं। अच्छा। मगर 9-2 एग्जैक्ट आता है। अच्छा। तो हमारा 9-2 ही बोल के बेचेंगे, 1 mm करके नहीं बेचते हम। अच्छा। यानी जैसे चीज़ें दिखाई जा रही जी वही रहेगी आपको, और क्वालिटीज आप यूज़ करो, हमारा प्रोडक्ट बहुत कम दाम में अच्छी चीज़ें हैं। कंप्यूटर लैपटॉप्स आज के जो तरक्की के ये दौर है उसकी एक अहम तरीन ज़रूरत बन चुका है, और आप घर घर जो है जैसे घर में सजाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ें, आज घर में कंप्यूटर और लैपटॉप का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज जो बच्चों की पढ़ाई का जो सिस्टम है, हमारे दौर में तो किताबों से पढ़ लिया करते थे, मगर अब जो है ज़माना डिजिटलाइज हो गया है और उसकी पहले ज़रूरत जो है ये सारी चीज़ें बन चुकी है। गाइड राउंड कंप्यूटर्स का एक स्टॉल लगा हुआ है, मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा कि यहाँ पर कितना रिस्पॉन्स आज उनको मिल रहा है और कितनी आज लोगों की एक अहम ज़रूरत जो है ये बन चुका है। देखिए हमें मार्केट में अगर रहना है तो ये जो स्टॉल लगा रहे हैं हम उसके ही लिए लगा रहे हैं, ताकि हमें लोग जाने और हम लोगों को जाने, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है उसको हम जान सके और उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, बस इसीलिए हमने ये स्टॉल को लगाया है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। यहाँ पर लोगों के लिए कोई रियायत कोई डिस्काउंट? जी सर, यहाँ पर तो रियायत है ही है, लेकिन हमारी जो ऑफिसेस है जहाँ पे हमारा गाइडोन कंप्यूटर करके जो बिल्डिंग है हमारी जी, हम लोग वहाँ पर भी रियायत दे रहे हैं लोगों को। अच्छा। हाँ यहाँ तो दे रहे हैं, वहाँ भी आपको मिलेगा डिस्काउंट के साथ में। तो हमारी तरफ से भी मतलब कस्टमर के फ़ायदे के लिए बहुत सारी कंपनी से हम लोग ऑफ़र रखवाए कि मतलब कस्टमर का फ़ायदा हो, यहाँ पे जब 4 दिन के लिए हम लोग यहाँ पे है तो कस्टमर का मतलब फ़ायदा होना चाहिए उसमें। अच्छा। कंपनी से 2-3 कंपनी अपनी पावर टूल्स की। अच्छा। तो उसमें फ़ायदे के लिए स्कीम रखी है। अच्छा। जैसे 2000 का कोई आइटम है हम लोग जहाँ शॉप से जो सेल करते तो उसमें कुछ आइटम 1500 का कुछ 1600 का ऐसे मतलब कस्टमर का 300, 400, 500 का जो भी फ़ायदा हो जाए। अच्छा। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे बुकिंग भी कर रहे हैं और यहाँ से सेल भी कर रहे हैं।
अच्छा, कहने का मतलब ये है कि आम दिनों में जो खरीदी अकरा टूल से होती है और उस वक्त जो है कस्टमर को जो कीमत देनी होती है, अगर आज वो यहाँ से लेते हैं या बुक भी कर लेते हैं तब जो है सीधा उनको जो है फायदा होगा, उनको डिस्काउंट जो है मिल सकता है करीब करीब 10%, 20%, 30%। हम लोग की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर फ़ायदा उठाए यहाँ से, क्योंकि ऐसी चीज़ें मालेगाँव में कम होती है, तो उसके लिए मतलब यहाँ से फ़ायदा उठा सके कस्टमर। तो ये जो है कंस्ट्रक्शन ट्रेड फेयर को देखने के बाद कुछ नई चीज़ें, कुछ नए टूल्स यहाँ पर आपने बढ़ाए हैं, रेगुलर जो अपने यहाँ रहता है उससे भी हट करके कुछ यहाँ पर आइटम है? नहीं, बहुत सारे आइटम बढ़ाए हैं ना जो दुकान पर हम लोग नहीं रख पाते, जैसे एक कोर कटर मशीन है। अच्छा। ये एक्चुअली डेली यानी रूटीन में नहीं आता है, मतलब बहुत सारी ऐसे मशीनरी है कंस्ट्रक्शन में जो काम करने के लिए जो यानी यूज़र्स है उनके लिए मतलब बहुत सारी मशीनरी है हमारे पास, जैसे कारपेंटर है, पेंटर है, और भी जैसे फैब्रिकेशन का काम करने वाले उनकी बहुत सारी मशीनरी है, यानी ऐसे बहुत सारे आइटम है और उस पर बहुत अच्छा डिस्काउंट रखे हम लोग यहाँ पे कस्टमर के फायदे के लिए। वैसे भी कहा जाता है एकरा टूल्स जो है वो मेहनती लोगों की पहली पसंद है, मेहनत से मुराद अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नाम है, और अभी अपना ऐसा है कि सिल्वर जुबली ईयर स्टार्ट हुआ है। अच्छा। हाँ, 25 साल अल्लाह का शुक्र हो गया है। अच्छा। और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मालेगाँव के लिए, तो एक टूल्स का मतलब एक बहुत अच्छा नाम है, और लोगों की हम लोग बहुत कोशिश रहती है कि टूल्स में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे सके हम लोग प्रोवाइड करते हैं मतलब लोगों के लिए, और सर्विस भी है, और मतलब सेलिंग के साथ साथ सर्विस भी है। पावर टूल्स में बहुत सारे लोग रिपेयरिंग के लिए परेशान रहते, तो रिपेयरिंग का सामान, स्पेयर सब अवेलेबल रहता है। फेयर है कि बिल्कुल अब कामयाबी से पूरा जो है वो कुछ ही घंटों में जो है ख़त्म हो जाएगा, और बहुत कामयाब रहा मालेगांव शहर वासियों ने भरपूर नई टेक्नोलॉजी से उन लोगों को जो है यहाँ पर उन्होंने देखी, बहुत पसंद किया, और लाइफ स्टाइल जो चेंज हो रहा है वो देखने को लोगों को करीब से मौका मिला। इस पूरी कामयाबी में कहीं ना कहीं आपका भी एक हाथ है, क्योंकि आप खुद भी एक, सबसे पहली बात तो आप खुद भी इंजीनियर हैं, और इस तरह की चीज़ों को, इस तरह की ज़रूरत को आप जो है वो बेहतर तरीके से महसूस कर सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरी कामयाबी के साथ, कितना सपोर्ट लोगों का रहा, क्या महसूस किया आपने? मालेगांव इंजीनियर्स एसोसिएशन की तरफ से ये सातवां ट्रेड फेयर, जिस प्रदर्शनी में आज की तारीख को पूरे भारतवर्ष में या वर्ल्ड लेवल पे क्या बांधकाम क्षेत्र में नई चीज़ आई है, इसकी प्रदर्शनी 4 दिन संपन्न हुई। मैं सभी मालेगांव वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने इसको रिस्पॉन्स किया, प्रतिसाद दिया, भेंट देकर कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में जो नई चीज़ आई है उसका मुआयना उन्होंने किया। सभी स्टॉल धारक जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया उन्होंने भी मालेगांव वासियों का धन्यवाद किया है। हम सबको पता है हर महीने में, हर 15 दिन में कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में नई चीज़ आती है, जैसे कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा कैसे मुहैया कराई जा सकती है, इसका संशोधन हर टाइम ये चलते रहता है, और इससे रूबरू कराना इस कंस्ट्रक्शन ट्रेड फेयर का मकसद है। और मैं समझता हूँ सभी इंजीनियर्स लोगों ने रात दिन मेहनत की और सभी मालेगांव वासियों को ये सेवा उपलब्ध कर दी। मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में मालेगांव के विकास में इसका एक सहयोग रहेगा। हमारी सोच में इस प्रदर्शनी के माध्यम से एक परिवर्तन आता है, और मैं समझता हूँ अच्छे नतीजे इसके माध्यम से सामने आएंगे। चलिए उम्मीद करते हैं अगली बार भी लोगों को बेचैनी से इंतज़ार है, क्योंकि हमने जिनसे भी पूछा हर किसी ने जो है इसको पसंद किया है, और लोगों ने यही कहा कि इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन ट्रेड फेयर है इसका आयोजन मालेगांव वासी तो चाहते हैं कि यह और 8-10 दिन चलना चाहिए जी। लेकिन हर चीज़ की एक मर्यादा रहती है, इसका जो परमिशन और जो भी कानूनन प्रोसीजर रहती है उसके मुताबिक मैं समझता हूँ 4 दिनों में हजारों लोगों ने यहाँ पर विज़िट किया है। आपने देखा होगा क्या समाज के हर तबके ने हमारे घर के जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ इस प्रदर्शनी का उन्होंने लाभ लिया है,
और जैसे मैं पहले भी बोला क्या, इसका मालेगांव के डेवलपमेंट के लिए इसका बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस हिसाब से लोगों का लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है उनके लिए काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो है नई नई रही और लोगों को भाई भी है, तो हो सकता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन ट्रेड फेयर है ये आने वाले दिनों में मालेगांव का नक्शा बदलने में एक बड़ा रोल अदा करे। तो माननीय पालक मंत्री दादा भाऊ भूसे जी ने यहाँ पर बिल्कुल ही पूरे जो कंस्ट्रक्शन ट्रेड फेयर है उसके बारे में उन्होंने कहा, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में जो है जिस तरीके से लोगों ने बेचैनी दिखाई है ऐसा ही एक कामयाब ट्रेड फेयर सेंटर जो इंजीनियर एसोसिएशन है इन्होंने जो कदम उठाया था वो कदम ये सातवां उनका कदम है और काफ़ी कामयाब है। तो आने वाले दिनों में ये कामयाबी का सफ़र, ये कामयाबी का कदम जो है यही जारी रहेगा। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।